डेंगू से बचने के लिए सादलपुर एकेडमी ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति सादलपुर एवं केसुर में दी। तेजी से फैल रहे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी महामारी से बचने के लिए जन जागरण अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने वाली संस्था सादलपुर एकेडमी के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सादलपुर चमन चौराहे पर एवं केसुर बस स्टैंड पर डेंगू किस तरह से फैलता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है और डेंगू होने के पश्चात क्या उपाय करना चाहिए, यह प्रस्तुति सादलपुर एकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आकर्षक तरीके से दी गई। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। सादलपुर एकेडमी के डायरेक्टर राजेश पाटीदार ने दर्शकों का अभिनंदन किया। नाटक की प्रस्तुति में जया, ईशा वर्मा, अक्षत सोलंकी, मयंक भावसार, सोनू खेर, हर्षवर्धन, प्रतीक वर्मा, पीयूष मंथन, वंशिका, कविता, मनीषा, खुशबू आदि की शानदार भूमिका रही। नाटक के अंत में पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी राम भरोसे वर्मा ने डेंगू होने पर बताया कि गिलोई, पपीता के पत्ते, अनार, वीट ग्रास, एलोवेरा, तुलसी के पत्तों का जूस दिन में 5 खुराक में सेवन करने से प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ते हैं, साथ ही योग करें और निरोग रहें। इस अवसर पर संस्था के आशीर्वाददाता रमेश कामदार, राजेश वर्मा, लोकेंद्र सिंह चौहान, उदय सिंह चौहान, जय नारायण जाट, अनिल परमार सहित बड़ी संख्या में नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। संचालन हरिओम नुकुम ने किया। आभार संस्था के प्राचार्य श्रीमती सीमा पाटीदार ने माना। केसुर से अनिल परमार की रिपोर्ट। ये आप काय के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं? सर, शिक्षा का असली मतलब होता है समाज का उत्थान करना, और शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य शिक्षा देने के साथ समाज हित में समय समय पर होने वाली समस्याओं पर कुछ न कुछ ऐसे आयोजन होने चाहिए जिसके माध्यम से हम समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकें। इसी को लेकर जो अभी डेंगू जनित बीमारियां चल रही है, वायरल जनित बीमारियां जो बहुत फैली हुई है, उसमें अभी डेंगू के पेशेंट अपने क्षेत्र में बहुत आ रहे हैं, उसकी जागरूकता के लिए, जन जागरण के लिए बच्चों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से इन बीमारियों से बच सकें, और फिर भी अगर हो जाती है तो कैसे क्या क्या उपाय किए जाएं ताकि हम उन बीमारियों से जल्दी निजात पा सकें। इन सब की अवेयरनेस के लिए हम बच्चों के माध्यम से समाज को, हमारे बीच के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी इन बीमारियों से बचे और जल्दी से जल्दी ठीक हो और जल्दी से जल्दी समाज हमारा एक बेहतर जीवन यापन करे। धन्यवाद। थैंक यू।